हमारे बीच समीर के बड़े भाई हैं तनवीर, जो कि मुजफ्फरनगर से आए हुए हैं। इनके छोटे भाई को, समीर को, गर्दन में गोली मारी है पुलिस ने और अभी वो इस हालत में नहीं है कि वो आ पाए, तो उनके बड़े भाई आए हैं और वो अपनी बात रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम। मुजफ्फरनगर से तनवीर अहमद सिद्दीक। हमारा भाई समीर अहमद सरवट गेट चौराहे के पास काम करता है खैरात मशीन का सीखने के लिए। वो वहाँ से, उसके उस्ताद ने 3:15 बजे के आसपास उसे ये कह दिया कि भाई सरवट में माहौल ख़राब हो गया है और तू अपने घर चले जा, मैं दुकान बंद करके घर जा रहा हूँ। उनने कहा कि जी ठीक है उस्ताद, मैं चला जाता हूँ। वो देना बैंक सिटी सेंटर के पास जिस वक्त आया, वहाँ काफ़ी जमा में भीड़ थी और बुलेटिन वाली गली से गोलियाँ चल रही थी। उनने देना बैंक की बराबर से जो गली, उसने उस घर देखा तो काफ़ी लोग हिंदू खड़े थे, कहने लगे भाई इधर हिंदू हैं, ये मुझे मार देंगे। उनने सोचा कि मैं यहीं सीधा भाग के निकल लूँ। जैसे उसने जाते हुए यूँ मुड़ के देखा है, उसकी ये गोली लगी हो जाएगी ताकि माइक से आपकी आवाज़। ठीक। जैसे उसने मुड़ के यूँ गली की तरफ को देखा है तो उसकी गोली ये लगी है और ये निकल गई है। और उसके बाद हमें पता चला काफ़ी देर के बाद में, कोई घंटा आध घंटा के बाद, मैं उसे फ़ौरन उठाकर हॉस्पिटल ले गया सरकारी अस्पताल। वहाँ CMO के ये अल्फाज थे कि इन्हें यहाँ से रेफ़र कर दिया जाए। और उसके बाद में उन्होंने मेरा बयान लेकर के ये कहाँ गया था, मगर जी मुझे नहीं पता, मैं तो खाना खा रहा था, मैं उठकर चला हूँ इसे उठा के लेकर। और इसके बाद में उन्होंने मेरठ के लिए रेफ़र कर दिया। मेरठ वालों ने ट्रीटमेंट करा, जो भी डॉक्टर आता था वो देखता था और ये कहता था कि भाई ऐसा क्यों, कहने लगे सर पीछे से लिखा हुआ आया है। सर हमें तो इस बात का नहीं पता चल रहा है कि आखिर उस कागज़ में क्या लिखा है, जहाँ भी हम जाते हैं वहाँ ट्रीटमेंट उसका सही नहीं हो रहा है। 26 तारीख को 1:30 बजे हाई सेंटर के लिए रेफ़र कर दिया है। हाई सेंटर पहुँचे, उन्होंने भी खूब अच्छी तरीके से देखा, 2 बजे तक सारे ट्रीटमेंट करा दिए उन्होंने, फिर हमें छुट्टी दे दी। कहने लगा आप इसे खिलाओ पिलाओ, मैं कहा भाई ऐसे कैसे होगा, उन्होंने मना कर दिया, तुम खाने पीने को कह रहे। कहने लगे नहीं आप बेफिक्र होके खिलाओ पिलाओ उसे। उसे खिलाया पिलाया जी, थोड़ा सा उसे सुकून सा मिला के कहने लगे जी हाँ शरीर में कुछ जान सी पड़ी। ट्रीटमेंट कोई अभी ठीक तरीके से नहीं हो रहा है उसका, ऑपरेशन के लिए बोला था, अभी तक ऑपरेशन नहीं हुआ है। रोज़ाना तीसरे चौथे दिन दिल्ली की लौट फेर कर रहा हूँ जी। हम तो ये चाहते हैं कि हमारे भाई के लिए सहूलियत हो और हमारे लिए सहूलियत हो। बात जी सर, उसको गोली कहाँ लगी? गोली देना बैंक के सामने लगी, ये लगी है गले में और ये निकली है, ये पट्टा फाड़ दी। चलिए अस्सलाम वालेकुम।